चाय साहब हमारे पास ये तीन बच्चे दो चार दिन पहले लेके आए थे, जिन्होंने बताया कि ये जी वहाँ से मुल्तान से नाराज होकर वालदेन से यहाँ पे आए, जिन्होंने अपने घर में रखा हुआ था बच्चों को। तो इस पर मैंने जो है ना SSP साहब मुल्तान उनसे रब्ता किया, जिन्होंने हमें SSP साहब शुजाबाद से रब्ता हुआ हमारा, जिन्होंने पता कि हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुई है। तो उसके बाद उन्होंने जी वहाँ से हमें अप्रोच किया कि उनको फिर मैंने तस्वीर भेजी थी व्हाट्सएप पर, तो उन्होंने बताया कि वालदा आई है बता रहे उनके बच्चे यहाँ से नाराज होकर। ये बच्चे हैं मासूम जो मुल्तान से भाई, ये बच्चे यहाँ कैसे आए थे? बच्चे भाई घर से भाग आए थे। अच्छा बताएं क्या कहेंगी, थाना एफआईआर टाउन में आप मौजूद हैं, आपके बच्चे मिल गए हैं, पुलिस वालों का शुक्रिया अदा करेंगी किस तरह आपके बच्चे मिले और आपको वापसी जाने के इंतजाम इन लोगों ने किए, और बच्चे जो है वो आप तक कैसे खबर मिली कि किस तरह यहाँ पर पहुंचे? मुझे थाने में वो जो नेट वाले मोबाइल पे तस्वीर दिखाई थी। बहुत बहुत भाई का एहसान है, बच्चे खैर खैरियत से मेरे साथ भेज रहे हैं, इनका बहुत मेहरबानी है, इनकी सपोर्ट है मेरे साथ, अल्लाह मियां इनको सबको भाइयों को खुश रखे। अच्छा तो बच्चे घर से क्यों भागे? ऐसा कहा गया है कि बच्चे जो हैं वो मारपीट की जाती थी और इन्हें कहा जाता था कि जाओ बाहर से भीख मांग के लाओ, ऐसा कुछ था या बच्चे जो है खुद से निकल आए घर से? भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ना इनको भीख मांगने का कहते हैं ना कुछ, इनको किसी बात से रोको ही हटते नहीं है, जिद बहुत करते हैं। और जिस दिन ये भागे हैं घर से हमें तो पता भी नहीं है, मैं दवाई खा के लेटी हुई थी, मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, मेरे को दिल का मसला है और शुगर है, ये पता ही नहीं चला कब मेरे को घर से भाग गए। तो अभी ये वालदा यहाँ पे आई है, इंशाल्लाह सुबह के लिए हम टिकट वगैरह का इंतजाम करेंगे और गाड़ी बिठा के इंशाल्लाह रब्ता करेंगे, वहाँ भेजेंगे और मुतलका ऐसे जो को बताएंगे फलां गाड़ी में ही आए ताकि वहाँ रिसीव कर ले।